सैमसंग गैलेक्सी M55 आ रहा है कि नहीं। हाँ गाइज, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सैमसंग के M55 के बारे में, बिकॉज आप लोगों को पता है सैमसंग की जो M सीरीज है, M50 सीरीज है अगर हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। और पिछले साल सैमसंग ने M54 को नहीं लॉन्च किया, बट क्या M55 आएगा इस पर बात करेंगे पूरा। जल्दी देखिए, जल्दी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बताया आपने नहीं किया, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर सैमसंग ना अपने M50 सीरीज को क्यों बंद, मतलब पिछले साल लॉन्च नहीं किया, मुझे समझ में नहीं आया। बिकॉज M50 सीरीज बहुत ज़्यादा सही है, ऑनलाइन में तो बहुत ज़्यादा चलती है। M50 बहुत चला था, M50S बहुत चला था। अब M55 के बारे में बात करें जिसकी लीक्स आ रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीक्स है कि आएगा। बात करते हैं फोन के ऊपर, स्पेसिफिकेशन और बिल्ड डिज़ाइन बहुत ही प्रीमियम होने वाला है। मतलब पहले मुझे एक ही कंपनी रहती थी M50 सीरीज से, वो ये था कि भाई डिज़ाइन ही अच्छा नहीं देते थे, प्लास्टिक बिल्ड होता था, मतलब बढ़िया लगने लगता था दिखने में। तो भाई वो कवर लेके चलाओ उसको अच्छा लगेगा फिर। तो इस बार इन्होंने उसको रिप्लेस करके अच्छा डिज़ाइन ला के दिया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई फ़ोन लगना चाहिए, इतना पैसा हमने दिया तो थोड़ा अच्छा दिखे। डिस्प्ले आपको 6.7 इंच का पैनल होगा, जो सुपर एमोलेड होगा, सेंटर पंच होल होगी, 120 फ्रेम रेट भी आपको मिल जाएगा। तो आपको जो पैनल क्वालिटी है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, और बढ़िया डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है। अब मैं चिपसेट की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 7 Gen मिलेगा। ई लीक्स मैं बता रहा हूँ, 7 Gen मुझे बिल्कुल भी आउटडेटेड लगा। 7 Gen 2 तो दे देते कम से कम, मतलब ये थोड़ा सा आउटडेटेड है तो, बट चिपसेट तो अच्छा, परफॉर्मेंस में ठीक ठाक है। कैमराज में मेन कैमरा आपको 108 मेगापिक्सल का मिलेगा, अल्ट्रा वाइड माइक्रो लेंस मिल जाएगा, रियर से 4K कर पाओगे, OIS का सपोर्ट होगा, सेल्फी में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिल जाएगी। तो ये कैमरा डिपार्टमेंट में तो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं कैमरा के जो मेगापिक्सल नंबर्स हैं, बट आई होप क्वालिटी भी वैसी हो। बैटरी में बात कर लेता हूँ, 6000 mAh की बैटरी होगी, प्लस टाइप सी एंड 80 वोल्ट बोल रहा हूँ भाई, ये सैमसंग है, 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। आउट ऑफ बॉक्स आपको चार्जर नहीं मिलेगा, अडैप्टर आपको परचेस अलग से करना पड़ेगा। और बैटरी तो बढ़िया है यार, 6000 की, मतलब 2 दिन चलना चाहिए अगर नॉर्मल यूज़ करते हो तो। UI एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ बॉक्स होगा, 1 UX रन करने वाला है। ये है पूरा सैमसंग गैलेक्सी M55 5G फोन, अगर आप इसे लेना चाहते हो, प्राइस एंड लॉन्च भी सुन लीजिए। इसकी प्राइस अराउंड 25,000 रुपये हो सकती है, 25,000 से 30,000 रुपये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 25,000 रुपये, अगर 25,000 रुपये होती है तो बहुत ज़्यादा चल सकता है, बट अगर 30,000 तक जाती है तो ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। लॉन्च की बात कर लेता हूँ, तो ये कहा जा रहा था फेब के एंड, मतलब इसी मंथ के एंड में मिले, बट मुझे अभी लग तो नहीं रहा ऐसा देख कर कि ये इसी मंथ के एंड में आएगा, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ हो सकता है डिले। तो अगर आप लोग वेट कर रहे हो तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भाई बढ़िया है, बस यही है कि यहाँ पर सैमसंग को इसका प्राइस जो है वो सही रखना चाहिए। 25,000 रुपये तक होता है तो बहुत सही रहेगा, ऑफ़र मिलाकर हमें 22-23 में मिल जाए तो और अच्छा रहेगा। बट अगर आप लोगों को ये फ़ोन 25,000 रुपये के ऊपर मिल रहा है तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज 30,000 रुपये में मुझे लगता है इससे बढ़िया बढ़िया स्मार्टफोन आपको मार्केट में अभी ही मिल जा रहे हैं। और सैमसंग भी है, S21 FE 5G देख लो, वो भी अच्छा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो पसंद आया मैं वीडियो लाइक करी, ऐसे ही देखते रहिए डेली वीडियोज, बिकॉज मेरी कोशिश रहती है कि डेली मैं एक वीडियो तो चैनल पर बनाऊँ। कभी कभी छुट्टी ले लेते हैं बात अलग है, बट आप लोग का सपोर्ट और प्यार जो है वो मिलता रहे, तो हम ऐसे डेली वीडियो लाते रहेंगे और आप लोग ऐसे देखते रहिए हमारी डेली वीडियोज। एंड टिल देन थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।